हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन ज्योति फूड रेसिपीज। आज हम लोग जो डिश बनाने वाले हैं वो है स्टीम स्वीट पोटैटो, जिसे हम उर्दू में शकरकंदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने शकरकंदी ले ली है और इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको काट लेंगे। इस तरह से मैंने इसको काट लिया है, ना ही ज़्यादा छोटे पीसेस करने हैं और ना ही बड़े। और यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसके बाद इस पर हम जो नॉर्मल हम रोटियाँ बनाते हैं घर में, तवा, उस तवे को रखेंगे। तवे को थोड़ा सा हीट अप होने दें। जब तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर जो हमने पीसेस किए थे स्वीट पोटैटो के, तो वो पीसेस आप तवे पे रख दें। ना ही आपको इसमें पानी लगाना है, ना ही ऑयल लगाना है। फिर आप फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम कर दें, और ऊपर से इसको कवर कर दें। मिनट तक कवर करने के बाद आप इसका साइड चेंज कर दें। अब फिर दोबारा से कवर करके रख दें। इसी तरह से आप बीच बीच में चेक करते रहें कि स्वीट पोटैटो बन गए हैं या नहीं। चेक करने के लिए आप एक नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाइफ नहीं अंदर जा रही तो इट मींस के अभी ये कच्चे हैं। और अब ये फाइनली बन चुकी है शकरकंदी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अंदर से। और इसे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। गर्मा गर्म स्टीम स्वीट पोटैटो इज रेडी। आप इसे इस तरह से सेंटर में कट करें और फिर ऊपर से चाट मसाले से स्प्रिंकल करके सर्व करें। और बिल्कुल इसका टेस्ट आपको बाहर जैसे आप लेते हैं बाहर की तरह का टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपको पता भी होगा कि शकरकंदी के कितने बेनिफिट्स हैं, कितना फ़ायदेमंद है इसको अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करना। वेट लूज में भी बहुत अच्छे रहती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।